दोस्तों ये वीडियो जो है मैं स्पेशली शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए बना रहा हूँ, जो लोग भी अपने चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और इस आस में बैठे हैं कि उनको एक दिन यूट्यूब शॉर्ट्स फंड देगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करूँगा, सही तरीका बताऊँगा ताकि जो है फ्यूचर में अगर आपको शॉर्ट्स फंड न भी मिलने वाला हो तो वो भी आप पा सकें, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो हमेशा लाता हूँ जिससे कि यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ताकि उनके परेशानी का जो है सोल्यूशन उनको मिल सके। इसी बात पर दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अक्सर यूट्यूबर की हेल्प करता रहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी कोई भी इशू है आप मुझे इंस्टाग्राम टेक्नो गुरुदेव के आईडी पर जाइए, वहां पर डीएम कीजिए और आपकी प्रॉब्लम मैं देखूंगा, उसके बाद जो है जिस भी तरह से सोल्यूशन देना होगा मैं दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर बहुत लोग जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ऐसे में दोस्तों मेरे पास इंस्टा पर एक मैसेज आता है। एक बंदे ने मैसेज किया कि सर हम जो शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और हमको शॉर्ट्स फंड चाहिए, किसी भी तरह हमको शॉर्ट्स फंड चाहिए और आप बताइए कि हमारा शॉर्ट्स फंड कब मिलेगा। तो मैंने देखिए, मैंने तो उसका चैनल पहले कहा कि लिंक तो मुझे, मैंने उसके चैनल पर विजिट किया, चैनल देखा, मैंने देखा कि मैंने उसे शॉर्ट्स अपलोड किया है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट्स अपलोड करने से ही शॉर्ट्स फंड नहीं मिल जाता है। बहुत लोगों के शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं लेकिन उनको अभी तक शॉर्ट्स फंड नहीं मिला है। अब ये क्यों नहीं मिलता है, और कई लोगों का तो काफ़ी कम वायरल पर ही उनको शॉर्ट्स फंड मिल गया, तो क्या है रीजन, किस वजह से शॉर्ट्स फंड मिलता है, किस वजह से नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट्स क्रिएटर को जो है पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट्स क्रिएटर जो है कर क्या रहे हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां कर दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको शॉर्ट्स फंड नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स फंड पाने के लिए आपको किस टाइप से शॉर्ट्स बनाना है, एंड साथ ही में आपको शॉर्ट्स फंड्स के लिए जो है क्या क्राइटेरिया है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि $100 मिलियन, मतलब $100 मिलियन का शॉर्ट्स फंड जो है यूट्यूब सभी शॉर्ट्स क्रिएटर को दे रहा है। मतलब ये जो बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से ही यूट्यूब जो है सभी शॉर्ट्स बनाने वालों को पैसे दे रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि मोनेटाइज चैनल हो या ना हो, सभी शॉर्ट्स जो भी अपलोड कर रहे हैं उनको मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा ये 100 मिलियन डॉलर है, ये 2022 के दिसंबर तक ही यूट्यूब सबको देने वाला है, और 2021 से ही स्टार्ट किया तो एक साल तो निकल गया है, अब बचा है एक साल, एक साल में से अभी भी बचे कुछ लोगों को देने वाला है, ठीक है। तो इसमें यूट्यूब ने सीधा सीधा किया है कि जो लोग भी ओरिजिनल शॉर्ट्स अपलोड करते हैं अपने चैनल पर और जो लोग भी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को फॉलो करते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को जो है उन्हीं क्रिएटर को जो है सिलेक्ट करेंगे। और इनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है हर महीने सिलेक्शन का प्रोसेस है, मतलब कि यूट्यूब जो है हर महीने क्रिएटर हज़ारों क्रिएटर को जो है सिलेक्ट करता है, और जो लोग भी शॉर्ट्स फंड्स के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उन्हीं को जो है 100 मिलियन में से ये पैसे मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है टू बी एलिजिबल फॉर ए बोनस फ्रॉम द यूट्यूब शॉर्ट्स फंड, मतलब आपको क्या होना चाहिए कि किस वजह से आपको ये शॉर्ट्स फंड मिल सकता है, मतलब एलिजिबल होने के लिए आपके चैनल पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल नीड टू हैव अपलोडेड एट लीस्ट 1 एलिजिबल शॉर्ट्स इन द लास्ट 180 डेज, मतलब 180 दिन के अंदर आपके चैनल पर एक ओरिजिनल शॉर्ट्स अपलोड होना चाहिए, जो खुद का होना चाहिए, खुद की वॉइस में होना चाहिए, खुद के अपने शॉर्ट्स कैमरे से होना चाहिए, शॉर्ट्स ऐप से जो है मतलब यूट्यूब का जो शॉर्ट्स फीचर है उससे जो है आपको शॉर्ट्स बनाकर कम से कम लास्ट 180 दिन में आपके चैनल पर अपलोड होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिल सकता। अगर आपने किसी और का वीडियो उठा उठा कर डाला है तो आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिल सकता। तो आपको सीधा सीधा जो एलिजिबिलिटी है वो मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो अब भी इस गलती को सुधार सकते हैं और फ्यूचर में शॉर्ट्स फंड पा सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, चैनल्स नीड टू बी अबाइड बाय यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट रूल्स एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी। चैनल्स को दोस्तों इन सभी रूल से गुजर कर आगे जाना होगा, जो कि है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट इशू रूल एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये तीनों रूल है दोस्तों जिससे कि आपको बचना होगा। अगर आपके चैनल पर इन तीनों में से कोई भी है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो सकता है तो आपको शॉर्ट्स फंड एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आप। कॉपीराइट अगर आपने उल्लंघन किया है किसी का जो है, कुछ भी मटेरियल आप अपने शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं जिससे की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे कि आप कोई एडल्ट कंटेंट ना अपलोड करते हो, आप कोई जो है ऐसी चीज़ें ना बनाते हों वीडियो में जिससे कि जो है मोनेटाइजेशन उस पर जो है यूट्यूब ना इनेबल कर पाए, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पर, चैनल्स अपलोडिंग वीडियो विथ वाटरमार्क और लोगो फ्रॉम थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नॉन ओरिजिनल वीडियोज फॉर एग्जाम्पल अन एडिटेड क्लिप एंड फ्रॉम मूवी फ्रॉम टीवी शो और वीडियोज री अपलोडेड फ्रॉम अदर क्रिएटर्स चैनल विल नॉट बी एलिजिबल।
दोस्तों कई लोग कर क्या रहे हैं कि किसी दूसरे का जो है शॉर्ट्स उठा रहे हैं, इंस्टाग्राम से उठा ले रहे हैं, टिकटॉक से उठा ले रहे हैं, टिकटॉक तो बैन है, कहीं और से उठा ले रहे हैं, उसको जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों वो लोग सोच रहे हैं कि उनको शॉर्ट्स फंड मिल जाएगा। वीडियो तो आपकी वायरल होंगे लेकिन शॉर्ट्स फंड नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनएडिटेड क्लिप फ्रॉम मूवी और टीवी शो। मतलब फ्रॉम मूवी और टीवी शो से कोई भी क्लिप आपने उठाया और उसको एडिट नहीं किया, केवल अपलोड कर दिया है, तो आपका एलिजिबल नहीं होगा। अगर एडिट किया है, वॉइस ओवर किया है, तो आपको मिल सकता है, ठीक है। और वीडियोज री अपलोडेड फ्रॉम अदर क्रिएटर्स चैनल्स, जो अदर क्रिएटर्स अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उनको उठाकर अगर आपने डाला है तो आपको शॉर्ट्स फंड एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर एक और दिया गया है, मतलब कि सोशल मीडिया, थर्ड पार्टी सोशल मीडिया का कोई भी आप वीडियो उठाकर डालें, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एमएक्स टकाटा, इन सभी से जो है अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो इस पर भी शॉर्ट्स फंड आपको नहीं मिलेगा। तो और थर्ड पार्टी मीडिया का कोई भी वहां पर लोगो भी नहीं होना चाहिए, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप वीडियो बना रहे हैं तो उस पर यूट्यूब शॉर्ट्स का ही लोगो लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एमएक्स टकाटा, इन सब का लोगो नहीं होना चाहिए, तो आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिल सकता, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। वीडियो खुद की बनानी है, अच्छी क्वालिटी बनानी है, कोई मूवी या क्लिप का पार्ट उठा रहे हैं तो उसमें वॉइस ओवर कीजिए, एडिटिंग कीजिए, अच्छा कीजिए, और म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो म्यूजिक भी जो है यूट्यूब लाइब्रेरी म्यूजिक से यूज कीजिए, ठीक है, या यूट्यूब शॉर्ट्स का म्यूजिक यूज कीजिए, तभी आपको जो है शॉर्ट्स फंड मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चौथा पॉइंट से, क्रिएटर्स मस्ट बी 13 और ओल्डर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और द एज ऑफ मेजॉरिटी इन देयर कंट्री रीजन। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है कि जो क्रिएटर है, जो शॉर्ट्स क्रिएटर है, उसकी एज कम से कम 13 साल की होनी चाहिए, 13 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यूएस यूनाइटेड स्टेट में एज जो है ज़्यादा हो सकती है, तो 13 साल की उम्र के लोग शॉर्ट्स बना सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब फंड्स मिल सकता है उनको, लेकिन वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा का अकाउंट यूज कर सकते हैं एज मम्मी पापा के परमिशन से, ये नहीं कि विदाउट मम्मी पापा के परमिशन से शॉर्ट्स आप चला रहे हैं और आपने लिंक कर दिया, मम्मी पापा का परमिशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, क्रिएटर्स 13 to 18 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव अ पेरेंट्स और गार्जियंस एक्सेप्ट टर्म्स एंड सेटअप एंड एडसेंस अकाउंट फॉर पेमेंट व्हेन वन इज नॉट ऑलरेडी लिंक्ड टू देयर चैनल। मतलब दोस्तों 13 से 18 साल के अगर आप हैं तो आप अपने पेरेंट्स के या गार्जियन के जो है नेम पर एडसेंस बनाकर उसको लिंक कर सकते हैं और आपका शॉर्ट्स फंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिंक किया गया है, क्रिएटर्स मस्ट बी वन ऑफ दीज कंट्री, कुछ कंट्री दी गई है जिसमें से कि अगर हम इंडिया से तो हमारा इंडिया जो है शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये सारे जो है रूल आपको फॉलो करने होंगे, अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको शॉर्ट्स फंड ही मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे क्रिएटर का चैनल देखा है, शॉर्ट्स तो बनाते जा रहे हैं लेकिन मेहनत करते जा रहे हैं, वीडियो वायरल भी हो रहा है लेकिन शॉर्ट्स फंड नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जो भी जेन्युइन कंटेंट बना रहा है, एटलीस्ट वो अगर ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो शॉर्ट्स फंड तो ऐसे में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों शॉर्ट्स फंड पाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। 2021 में मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था लेकिन 2022 आ चुका है, बहुत लोग जो है नए रूल के बारे में नहीं जानते हैं, तो यही रूल है और इसको जो है आपको फॉलो करना चाहिए और आपको शॉर्ट्स फंड मिल सकता है। और 2022 के दिसंबर तक जो है $100 million में से जो है आपको भी मिल सकता है। तो इसी बात पर दोस्तों आपको बस करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरा काम नहीं किया है, टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।